हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं शेखर और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईट मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का VVI MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। और मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं तो इससे बाहर जो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए हड़प्पा सभ्यता से, इस चैप्टर से, तो इससे बाहर परीक्षा में एक भी सवाल नहीं आएगा। मतलब इस चैप्टर में बहुत ही, मतलब जो क्वेश्चन इस चैप्टर से लगातार एग्जाम में पूछा गया है वो भी क्वेश्चन लाया हूँ, और जो पूछने की संभावना होती है वो भी क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखें और नीचे दिए गए जो लाइन जो पार हो रहा ना तो उसको पढ़िए ध्यान से। उसमें लिखा हुआ कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, और भी जो भी वीडियो आपकी चलेगी जो भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स है ना, तो अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको एक पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। पेड ग्रुप मतलब ये जो है ना, दरअसल ₹250 में सिर्फ पेड ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। मात्र पूरे साल भर के लिए जितना भी जो कुछ पढ़ाया जाएगा सारा उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो जिसको ग्रुप में जुड़ना है, तो डियर पहले तो ये मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है और मैं आपको एक और नंबर देता हूँ जिससे कि आप पेड कर सकते हो, पैसा पेफोन से वगैरह से भेज सकते हो, ठीक है। तो नंबर वो है कि 8210 42 32 00, ठीक है। तो देखो ये नंबर है और इस नंबर पे जो है आप हमें जो है पेफोन कर सकते हैं। पेफोन करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट खींच करके भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे मिलेगा क्या मिलेगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके, बिना टाइम को गवाते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और हो सके तो कॉपी में नोट्स कीजिएगा। वैसे जो अगर PDF लेना चाहते हैं तो उसको तो नोट्स मिल जाएगा, वो आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोग थे उसका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या था, कृषि था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, यानी कि इसका खोजकर्ता कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति है दयाराम सहनी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, यानी कि दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी को दयाराम सहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, ओके। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। अगर मैं स्पीड चल रहा हूँ तो आप बोलेंगे कमेंट करके, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी, यानी कि कब हुई थी, तो आपको मैं अभी बताया हूँ, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की थी, 1921 ईस्वी में की थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है डियर, ठीक है। सिंधु सभ्यता का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना ले, ओके। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। इसका जो एरिया जो था ना सिंधु घाटी सभ्यता का, ये किस आकार का था। ऑप्शन ए आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो था ये था त्रिभुजाकार, ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसका क्षेत्रफल किस आकार का था, त्रिभुजाकार था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, है ना। श्रेणी जैसे कि, जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते तो आपको 9th क्लास वाले को अलग क्लास में रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, और क्लास 10th वाले को अलग पढ़ाया जाता है, 12th वाले को अलग पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार इस ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो ये रखा गया है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। विशाल स्नानघर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं तो बोलूंगा सारा इंपॉर्टेंट है, किसमें मैं VVI लगाऊं जी, तो जितना हो सके सबको याद करना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यह है कांस्य युग की सभ्यता, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कहता है रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 9th नंबर सवाल देखिए, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो का टारगेट आपको मैं देता हूं 2000 लाइक का, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको बोलिए कि यार इस वीडियो को देख लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है? और नोट्स को लिया करो, पेड ग्रुप में जुड़ा करो, ठीक है? जिसको जुड़ना है मैं लास्ट में बताऊंगा। 2000 लाइक फटाफट कंप्लीट कर दो, सारे दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को, ओके? अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आया है, ठीक है? तो सिंधु घाटी में रहने वाले जो लोग थे उसे जो है ना किस धातु का नॉलेज नहीं था, किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का, आयरन का, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा जो है ना डियर, ये है ऑप्शन देखिए, सिंधु, व्यास, सतलज और रावी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 5-6 क्वेश्चन मैं आपको लगातार पढ़ाऊंगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके अंदर एक सवाल आएगा, ठीक है? आप ध्यान से देखो, 10 सवाल से लेकर के 20 सवाल तक, इसके बीच जितना क्वेश्चन अभी पढ़ाऊंगा मैं, इससे 2 या 1 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा आपके एग्जाम में, बस आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है? सबसे पहली सवाल तो आप लोग पढ़े, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, ये एग्जाम में 100% पूछता है। उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, यानी कि हड़प्पा कहाँ पर सिचुएटेड है, ओके? तो ये है पाकिस्तान में, ओके? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। मैं जो आपको बोला हूं ना, 10 से लेकर के 20 तक जितना भी क्वेश्चन अभी कराया जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता है, ठीक है? उससे ज्यादा भी पूछ सकता है। तो अभी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, हड़प्पा कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद आप लोग देखिए 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो देख लो नदी के किनारे वाला ना एक क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो ये है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर सवाल, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ना ये है भोगवा नदी के किनारे, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें से ये जो तीनों जो नदी के किनारे वाला सवाल है उसमें से क्वेश्चन तो आता ही है, अब कौन कौन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिर से मैं आपको बताता हूं, फिर से एक बार देखें, ठीक है? सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है। अभी भोगवा यानी कि लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा के किनारे, यानी कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको याद कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए लोथल कहां है, यानी कि लोथल कहां स्थित है, तो लोथल जो है ना ये है गुजरात में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ध्यान से सारा क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं जो बताया ना ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं जिसमें वीवीआई कर दूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके? उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे सवाल, और आगे नंबर सवाल पहले पेंसिल ले लेने दो, ठीक है? 15 नंबर सवाल कहता है कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में? कालीबंगा जो है ये है राजस्थान में, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। और मेरे से एक क्वेश्चन और छूट गया है जिसको कहते हैं, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? बनावली, ये भी नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर पूछेगा बनावली कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना ये है हरियाणा में, ठीक है? हरियाणा में स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान में। तो नोट कर लेना, ठीक है? पीडीएफ में बिल्कुल आपको ऐसे ही दिया जाएगा आंसर शीट के साथ, जिससे कि आप अच्छे से इसको याद कर सको। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है डियर? तो ये मिला है कालीबंगा से, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल कहता है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता का विकास हुआ, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता का विकास जो हुआ था ये सिंध के मैदान में हुआ था, कहाँ हुआ था, सिंध के मैदान में, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कि याद रखना भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता का विकास सिंध के मैदान में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की,
हड़प्पा की जो बस्तियां थी उसकी खुदाई किसने की? ऑप्शन देखिए, सर जॉन मार्शल, सर विलियम जॉन्स, मार्टिमर हिविलर और ए और सी दोनों। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिविलर ने की थी, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन थी? ऑप्शन ए देखिए, मोहन जोदड़ो चनहुदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा और लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा और मोहन जोदड़ो और ऑप्शन डी लोयल। ये लोयल नहीं, यहाँ पे लोथल लिखा था, लोथल, ओके, और कालीबंगा। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन को पढ़िएगा ना तो आपको आंसर मालूम चल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहन जोदड़ो थी, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासियों द्वारा क्रिव्य फसलें थी, यानी कि हड़प्पा वासियों के द्वारा कौन कौन सी फसलें ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, वहाँ के जो लोग रहने वाले थे उनकी क्रिव्य फसलें, फेमस मुख्य फसलें कौन कौन थी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, गेहूँ और जौ और तिल, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो मैं तीनों फसलों का नाम आपके सामने ला दिया हूँ। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा हड़प्पा वासियों के द्वारा मुख्य फसलें कौन थी, तो ये तीनों में से कोई भी एक दे देगा, तिल भी दे सकता है, जौ भी दे सकता है, गेहूँ, तो तीनों को याद कीजिए। तीनों याद रहेगा तो आप आंसर सही मार के आओगे एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकार, इनमें से सभी। सबसे पहले पाई गई जो मुहरें पाई गई है वो आम तौर पर चौकार प्रकार की होती थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी भी म्यूजियम में ये सब रखे हुए होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख भी सकते हैं जहाँ जा करके। ठीक है, तो अभी भी चौकोर प्रकार के होते हैं आमतौर पर, आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी किसको पूजा करते थे? मातृ देवी का, या वृक्ष आत्माओं का, या पैराणिक का, या इनमें से सभी। हड़प्पा में जो लोग रहने वाले थे, हड़प्पा निवासियों कह सकते हैं, तो ये मातृ देवी का पूजा करते थे। ओके, तो इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर सवाल, राखालदास बनर्जी को मोहन जोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी को मोहन जोदड़ो के अवशेष, देखो यहाँ पर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर बताता हूँ आपको, राखालदास बनर्जी को मोहन जोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अब देखो डियर, मैं इससे क्वेश्चन बना रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में बनता है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा देखो ध्यान से। सबसे पहला नंबर सवाल, मोहन जोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो इसका आंसर याद रखना, मोहन जोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। एक क्वेश्चन बन गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, मोहन जोदड़ो की खोज किसने की? मोहन जोदड़ो की खोज किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने। दो क्वेश्चन बन गया, और ये दोनों में से एक सवाल 100% एग्जाम में आता है, तो दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर सवाल कहता है, निम्न में किस पुरातत्वविदों के द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न ने करवाया था? देखो खुदाई जो संपन्न करा था उसको पुरातत्वविद या पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई अगर ठेकेदार रहा ना तो उसको ठेकेदार बोलते हैं ना, जैसे कि वो काम को करवाता है, तो वैसे ही मतलब अगर एक से अधिक हो तो पुरातत्वविदों का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, इन सभी ने, दयाराम साहनी, M.S. वैट्स, मार्टिमर ह्यूलर, इन सभी ने खुदाई संपन्न कराया था हड़प्पा में। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। और ये याद रखना, हड़प्पा में जो उत्खनन हुआ था ये हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलूंगा, बार बार आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 25 नंबर सवाल, मोहन जोदड़ो किस भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज का शब्द है मोहन जोदड़ो? तो यह है सिंधी भाषा का शब्द है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मोहन जोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी, तो याद होगा आपको, ठीक है, राखालदास बनर्जी ने की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, खोज की थी, खोज याद रखना, उत्खनन करने वाला और खोज करने वाला बहुत अंतर है, खुदाई करने वाला बहुत अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर सवाल, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, अब देखो यहाँ पर भी मोस्ट तीन तीन क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। पहली तो यहाँ पर देखो, दयाराम
दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? ये करवाया था हड़प्पा में, जो कि 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले पूछेगा हड़प्पा की खोज कब की गई थी? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, तो इसको याद करो बार बार तब याद होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन मुझे भी होता था लेकिन अब मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। कौन किसका उत्खनन करने वाला है, कौन कब खोज किया गया है, कब हुआ है, किसने किया है, ठीक है, तो आपको भी याद करना पड़ेगा। 27 नंबर सवाल देखिए, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन ए कनिंगम फ्लीट, डी सी सरकार और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में विलियम जोन्स ने किया था और ये किया था 1784 ईस्वी में, तो याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर सवाल, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? अब देखो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं और ये 28 नंबर सवाल आपका होमवर्क है। देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर बता सकते हैं। मैं इसका आंसर बिल्कुल मैं अभी बताया हूं, अभी एक दो क्वेश्चन पहले आपको याद होगा। सिंपल सी बात है, हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, किस वर्ष उत्खनन किया गया, मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा इसका आंसर। अगर आपसे होगा तो फटाफट बताइए। ऑप्शन आपके सामने 21, 24, 27 और 30, देख के तो आंसर आराम से बिल्कुल इजी है यार, आपके सामने आंसर दिख रहा होगा इसका। चलो हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला? गोदी बाड़ा सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला है? तो 29 का डी ऑप्शन लोथल में मिला था। अब देखो लोथल से इंपॉर्टेंट एक बार और रिविजन करते हैं, लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। फिर से रिविजन, ध्यान से देखो जब भी रिविजन होता है तो इसको गौर से देखना, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और उसके बाद लोथल कहाँ है जी? तो लोथल गुजरात में है। उसके बाद देखो गोदी बाड़ा कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। इससे तीन क्वेश्चन बन गया, एग्जाम में आएगा, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 30 नंबर सवाल कहता है सिंधु सभ्यता में मोहरे बनता है, सिंधु सभ्यता में मोहरे किस चीज का बनता है? सेल खड़े का, लोहा का, तांबा का, इनमें से सभी। इसमें जो मोहरे बनते हैं सिंधु सभ्यता में, ये सेल खड़े का बनते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर सवाल, यानी 31 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? हड़प्पा सभ्यता भारत के कौन से भाग में विकसित हुई है, यानी कि कौन से भाग में वो आया है? ऑप्शन देखिए, दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत। देखो तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा जो हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, पश्चिमोत्तर। देखो पश्चिमोत्तर को अगर तोड़ोगे ना तो पश्चिम और प्लस उत्तर, यानी कि पश्चिम और उत्तर के जो बीच वाले जगह है उसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर, और इसी भाग में वो विकसित हुआ था सिंधु सभ्यता के लोग। तो याद रखना हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? यानी कि हिंदू देवताओं में आप लोग जानते हैं बहुत सारे होते हैं, उसमें से आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख देवता था, सबसे फेमस, जिसको वो लोग मानते थे, वो कौन से देवता थे? ये है शिव, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु सभ्यता ऑप्शन ए देखिए, चीन की सभ्यता के समकालीन, या मिस्र की सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता, या क्रेट की सभ्यता। तो यहाँ पर सारा सभ्यता दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है कि किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो ये क्रेट की सभ्यता के समकालीन सिंधु सभ्यता नहीं मानी जाती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 34th नंबर सवाल देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भग्नेश्वर, ठीक है, भग्नेश्वर है, ठीक है। तो देखो इन चारों ऑप्शन में से पुरातत्व के अंतर्गत ये जो है ना साहित्य नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। होमवर्क को ध्यान से दिया, जो मैं होमवर्क दिया था 29 नंबर सवाल होमवर्क दिया ना, इसका आंसर बताना, मैं देखूंगा कौन सा सवाल कौन सा सवाल का होमवर्क दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था,
हड़प्पा सभ्यता का, जो हड़प्पा में जैसे कि सब लोग रहते थे, वहाँ का प्रशासन कैसा था, ठीक है। तो वहाँ का प्रशासन जो था ये था नगर पालिका के जैसा, जैसे नगर पालिका का प्रशासन कैसे होता है वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। याद रखना, ट्रिक से याद करो, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले, यानी कि कौन से जगह पे, कौन से स्थान पे खांचेदार खेत के प्रमाण मिले। ऑप्शन देखिए, बानावली, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी। तो यहां पर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 36 का सी ऑप्शन राइट होगा, कालीबंगा। एक बार और मैं आपको रिवीजन करवाऊं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, जो जितना भी रिवीजन करवा रहा हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोथल कहाँ है जी, तो लोथल है हमारा गुजरात में। बानावली कहाँ है, तो मैं बताया था आपको ये है हरियाणा में। और उसके बाद राजस्थान, सॉरी कालीबंगा कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। लो लो, इससे तो एक क्वेश्चन आएगा, मतलब रिवीजन करवाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो आपको भी उम्मीद है कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य करवाया था, यानी कि सिंधु सभ्यता में जितना भी रोपड़ था। वन मिनट, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेन क्वेश्चन बता रहा है कि रोपड़ का उत्खनन का कार्य किसने करवाया था। सवाल देखो, ये बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित एक रोपड़ भी है जिसका उत्खनन किसने किया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। तो रोपड़ का उत्खनन का कार्य किसने करवाया था, 37 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, YD शर्मा ने करवाया था रोपड़ का उत्खनन। तो याद रखना सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर सवाल, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था कितने में, तो 20 किलोमीटर के घेरे में, या 15 किलोमीटर, या 10 किलोमीटर, या 5 किलोमीटर। तो ये था 20 किलोमीटर के घेरे में मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो बता दिया, मतलब दूरी बता दिया, इसका एरिया बता दिया, ठीक है। 39 नंबर सवाल देखो, सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था। देखो इम्पोर्टेंट है सैंधव, देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, सैंधव निवासियों में सबसे प्रिय देवता कौन था, तो वो था शिव था। अभी याद होगा आपको, बिल्कुल एक बार अगर आपको याद है तो मुंह से बोल दो हाँ। अभी मैं बताया ना, सैंधव निवासियों को सबसे प्रिय जो देवता था वो था क्या, शिव। अब यहाँ पर बोल रहा कि सैंधव निवासियों का सबसे प्रिय पशु, सबसे प्रिय जानवर कौन था, तो जानवर में अगर आ जाए तो सांड, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ जो कि आपको याद होगा, उस क्वेश्चन को मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ, इसमें लाया नहीं हूँ। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले, मतलब ये इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले पालतू जानवर कौन है, तो आपको पता होगा कुत्ता, जो कि इस चैप्टर में है, हर बार एग्जाम में पूछता है, तो ये इजी था इसलिए नहीं लाया हूँ, आप लोग तो देखते ही मारोगे, ठीक है। तो सबसे पहले पालतू कुत्ता, मतलब पालतू जानवर कौन था, कुत्ता, तो आप लोग मार दोगे आराम से, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है। ऑप्शन देखो, सारा में जो ये जो ऑप्शन देखो, पहले स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बना सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बिग प्लेस, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पैलेस, सबसे बिग पैलेस। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर से टोटल 40 नंबर सवाल क्लियर हो चुका है, और ये 40 के 40 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। अगर आपने वीडियो बीच में कहीं मिस किया तो यार फिर से देखो, रिवीजन करो, इसका PDF ले। पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, जो मैं होमवर्क दिया था ना उसका आंसर देख लो, आप लोगों ने कितना आंसर दिया नहीं दिया, तो सभी लोग देखो, सबका कन्फ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो होमवर्क कौन था, होमवर्क था और ऊपर था ना, एक मिनट, आप लोग हड़बड़ाओ मत, होमवर्क कौन सा सवाल दिया था आपको मैं, हाँ ये वाला सवाल, 28 नंबर सवाल आपको होमवर्क था, देखो ध्यान से, इसमें कह रहा था क्या, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष हुआ था, तो सिंपल सी बात है 1921 ईस्वी में हुआ था, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। इसकी खोज किस करने वाला कौन है, दयाराम साहनी। तो यार सबको याद करो, आप रिविजन करो बार बार, उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये PDF कैसे लेना है, आपको कैसे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात, पेड ग्रुप जुड़ने के लिए आपको कितना रुपया पेड करना पड़ेगा जी, 250 रुपये।
पूरे साल के लिए, ठीक है, पूरे साल में जितना भी वीडियो का, जितना भी वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर जो भी पढ़ाया जाएगा, सारा का सारा पीडीएफ में सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। और वही बच्चा जुड़ सकता है जो पेड करेगा। पेड किस नंबर पर करना है, देखो 8210 42 00, ये है पेफोन नंबर। आप इस पे भेज करके स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना, ठीक है, तब मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा। और अभी मैं जो पढ़ाया हूँ ना उसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो बिल्कुल मैं पेड करने के बाद ही आप लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। तो फटाफट जितने भी बंदे हैं अपने दोस्तों को बताइए, और जिससे नहीं हो रहा तो वो वीडियो से लिख सकते हैं, और जो पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है, वो आपका मन है, आप जुड़ो या ना जुड़ो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिए 2000 कंप्लीट, एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। ओके, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, बाय।